और पानीपत के बीजेपी नेता बलवान शर्मा पर ठगी का तीसरा मामला दर्ज किया गया है। अब एक और युवक ने बलवान शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है कि उसे विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे गए। जेल में बंद बलवान शर्मा 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है और लोकसभा चुनाव की टिकट मांग रहा था। 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और करनाल संसदीय सीट से बीजेपी का टिकट मांग रहे गांव अहर के बीजेपी नेता बलवान शर्मा पर ठगी का तीसरा मामला दर्ज किया गया है। बलवान शर्मा अभी जेल में बंद हैं। सबसे पहले नेताजी पर गांव शिमला मुलाना के दो सगे भाइयों ने अमेरिका और कनाडा भेजने के नाम पर 30 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद दूसरा और अब तीसरे व्यक्ति ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। सत्ता के मजे लूटने वाले किसी नेता को भी बुरा वक्त तो देखना पड़ता है। हरियाणा में वैसे भी एक कहावत मशहूर है, आदमी का जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट जाता है। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।